इससे पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वेल एस्टेब्लिश जो उनका चैनल प्रमोट कर दो, कभी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कल को कोई मुझे कुछ बोले कह रही है कि तुम लोग नहीं लगता मैं कुछ गलत कह रही हूँ, मैं सिर्फ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर सवाल जर्नलिस्टिक काट के एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सुना, बस एक पैक ऑफ टू ऑर्डर की थी एक्चुअली गाइज। मैं करना चाहती थी मिल प्राइस है 200 और एक्सपायरी डेट इसकी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉन लुप्टन का लिख लगाते हैं, तो ये चंदन का फेस वॉश है और बहुत ही प्यारी, आप लोगों से शेयर करना तो बनते ही है। तो ये है और इस आप जो जिन लोगों को रहता है स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो बहुत डैमेज होती है इसकी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सनस्क्रीन में बहुत केमिकल है, पड़ेंगे तो पता चल जाएगा स्किन कितनी बुरी डैमेज हुई। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई चैनल यूट्यूबर दीवा। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो ऐसा है ना कि बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे, बहुत टाइम मतलब एक साल हो गए हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी से कोई फेवर नहीं मांगा। जैसे कि जो भी बिगनर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो सब चाहते हैं कि कोई यूट्यूबर हो जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, उनका चैनल प्रमोट कर दे, हर कोई इसी जुगाड़ में रहता है। लेकिन गाइस सीरियसली, मैंने कभी इस तरीके का कुछ ना मैंने कभी ट्राई किया, ना मैं कभी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कल को कोई मुझे कुछ बोले कि तुमने उसके बूते पे किया, तुमने खुद से क्या किया। तो मैं खुद के बूते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ और धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, और ज़्यादा नहीं है सब्सक्राइबर बट जितने हैं मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम चल रहा है अच्छा। और बट ये है कि रिस्पॉन्स जितना आना चाहिए उतना मुझे मिल नहीं रहा है, तो कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, मैं सोचती हूँ छोड़ूँ क्या बनाना। फिर एक तरफ से फिर पॉजिटिविटी आती है तो मैं फिर कुछ दिन बाद आ जाती हूँ। सो गाइज, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी से भी सपोर्ट नहीं मांगना चाहती। अगर मैं किसी से सपोर्ट मांगना चाहती हूँ तो सिर्फ मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो जिनको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है, जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं या सब किया है या नहीं है, तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। क्योंकि किसी और से फेवर मांगना, किसी और से मुझे खुद की मेहनत पे पूरा भरोसा है। तो मैं जो मुझे देखते हैं, जो मेरा चैनल पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि मेरे वीडियो थोड़े हेल्पफुल हैं उनके लिए, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ग्रो करने में हेल्प करिए। तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कह रही हूँ, मैं सिर्फ जो मुझे मेरे वीडियो देखते हैं, जिनको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, तो उनसे इतना फेवर तो मैं मांग ही सकती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए और रिप्लाई किया मैंने उनका, मेरे वीडियो, मेरे हेयर मास्क वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एक सवाल का जवाब देना, अगर सवाल जेन्युइन है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। तो जिन जिन ने भी मुझसे सवाल पूछे, मुझे बहुत बहुत सारा थैंक यू बोला उन लोगों को, मैं अगले वीडियो में सबके नाम भी लूंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए गाइस। सो बस इतना ही कहना था आपसे, तो चलिए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ कि आज फिर से एक रिव्यू वीडियो है। तो चलिए, मैंने फेस वॉश खरीदे थे अमेजोन से रस्टिक आर्ट के। एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सुना है रस्टिक आर्ट इज़ वेरी वेरी गुड गुड और बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो मैंने भी एक ट्राई दिया, क्योंकि मैं फेस वॉश कभी नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे अगर फेस वॉश करना होता है तो मैं घरेलू चीज़ों का यूज़ करती हूँ, जैसे बेसन हो गया या कुछ भी घर में जो किचन में मिल जाए। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये सुना है तो चलो इसको एक ट्राई देते हैं। सो रस्टिक आर्ट के ये मैंने फेस वॉश खरीदे हैं। अब आप सोच रहे हो ये डिब्बे कैसे हैं, क्योंकि फेस वॉश तो ज़्यादातर ट्यूब में आता है, तो मैं समझाती हूँ आपको। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसकी क्वांटिटी जो है ये थोड़ा थिक क्वांटिटी में है, आपको बिल्कुल भी इतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स रियली रियली गुड, ये ऐसे पैक्ड है, मैं इसको आपके सामने खोल। सो ये इस तरीके से है, ये मैंने ओपन किया है तो ये ऐसे थिक उसमें है, अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा है। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड में नहीं है जैसे कि जनरली होते हैं फेस वॉश, मैं इसको आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, इट्स रियली, इसकी खुशबू अमेजिंग, अच्छी खुशबू है। और ये कौन सा फेस वॉश है, ये है सैंडल फेस वॉश और ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेट। तो ये मैंने पैक ऑफ टू ऑर्डर की थी एक्चुअली गाइज। मैं करना चाहती थी नीम एंड सैंडल, बट शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी मैं, तो मैंने दोनों सैंडल के ही पैक ऑर्डर कर दिए। तो मैंने ये दो पैक ऑर्डर किए और ये मुझे पड़े हैं 200 का एक पैक है, तो टोटल 400 में मुझे दो पैक मिले।
एंड बिलीव मी बहुत अच्छे हैं। मेरी दोस्त ने भी की ऑर्डर और वो तो इतनी ज्यादा खुश थी उनके रिजल्ट से, तो मैंने कहा चलो मैं भी खरीद के देखती हूँ, ऐसी इतनी क्या तारीफ है, क्योंकि मैं फेस वॉश नहीं यूज करती, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। लेकिन मेरा डिसीजन इज वेरी वेरी गुड, इतनी अच्छी स्मेल है इसकी, पूछो ही मत, बहुत अच्छी स्मेल है। तो यार मैं आप लोगों को बोलूंगी जरूर ऑर्डर करो इसको। इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स आएगा ये, और इसकी प्राइस है 200, और एक्सपायरी डेट है इसकी 36 मंथ के बाद एक्सपायर होगा। और ये आपको ना बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने ये लिया है ना इतनी क्वांटिटी में काफ़ी है। पानी के साथ आप करोगे ये काफ़ी झाग आएगा। और रस्टिक आर्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, और सारे स्किन टाइप के लिए है ये, क्योंकि सैंडलवुड तो आपको पता ही है कितने बेनिफिट्स होते हैं। मतलब शादी में दुल्हन को भी हम हल्दी चंदन उपटन का लेप लगाते हैं, तो ये चंदन का फेस वॉश है और बहुत ही प्यारी खुशबू है सच में। काश मैं आपको बता सकती लाइक बता रही हूँ, इट्स रियली रियली गुड स्मेल, बहुत ही अच्छी खुशबू है। सो ये मुझे इतना पसंद था तो मैंने सोचा मैं जैसे ही आया, ये आज ही आया और मैं आज ही लेके बैठ गई वीडियो बनाने कि चलो यार इसका तो बनाना बनता है और आप लोगों से शेयर करना तो बनता ही है। तो ये है और इसे आप ज़रूर खरीदें, और इसकी आई थिंक क्वांटिटी काफ़ी एनफ है, एटलीस्ट आपको ये एक डेढ़ महीने तक तो चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो महीने तक तो आराम से चलेगा, तो अच्छा है। और इस पे सारे ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेट है, कुछ भी इसमें केमिकल एडेड नहीं है। तो जिन लोगों को रहता है या जो टीनेजर बच्चे हैं कॉलेज जाने वाले हैं, या जिनको टैनिंग की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, फेस पे टैनिंग है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि धूप में निकले तो कभी एक्सपोजर नहीं करें, क्योंकि स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है तो बहुत डैमेज होती है स्किन, तो हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करके ही जाओ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सनस्क्रीन में बहुत केमिकल है, तो भैया बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब धूप में निकलोगे और जब झाइयाँ निशान पिंपल पड़ेंगे तो पता चल जाएगा स्किन कितनी बुरी डैमेज हुई है, तो एटलीस्ट सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट ही करेगा। तो ये चीज़ है, और इसे अप्लाई करिए, बहुत अच्छा है। तो आई गेस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, फिर यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो। यार सपोर्ट करो गाइस, है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और लिंक दूंगी मैं ज़रूर, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सेफ रहिए, खुश रहिए, बाय।